राष्ट्रवादी कांग्रेस के सिहोरा ग्राम के प्रतिनिधि मंडल ने आज सिहोरा के ग्राम सरपंच सचिव को ज्ञापन सौंपा। सिहोरा क्षेत्र में मच्छरों की संख्या में वृद्धि होने से नागरिक डेंगू और मलेरिया जैसे घातक बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। बारिश के रुक रुक कर आने से कई जगह रुके हुए पानी में जीव जंतु पैदा होने से वह स्वास्थ्य के लिए धोखादायक होते हैं, जिससे मच्छर पनप रहे हैं। मच्छरों के प्रकोप से नागरिक परेशान हो चुके हैं और इस स्वास्थ्य संबंधित समस्या का संज्ञान लेने हेतु जल्द से जल्द ग्राम में दवाइयों का छिड़काव, नालियों में रुके हुए पानी में खाली प्लॉट पर करना अति आवश्यक है। इस ओर तत्काल उपाय योजना करने की मांग राष्ट्रवादी कांग्रेस सिहोरा ग्राम के प्रतिनिधि मंडल ने आज सिहोरा ग्राम सरपंच सचिव के नाम पर एक ज्ञापन में लिखित रूप से समस्या से अवगत कराया। ज्ञापन को सिहोरा ग्राम सरपंच रंजना दिनेश सुरकर ने स्वीकार किया। ज्ञापन देते समय मुकेश गोलू गौतम सिहोरा ग्राम प्रमुख, तेजराम ठाकरे, अजय बिसेन, तेजेश्वर टेमरे, हरिभाऊ बोकड़े, महेश चौधरी, अन्य ग्रामवासी मौजूद रहे। तहसील के आने वाले सिहोरा गाँव में बरसात के वजह से मच्छरों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और उस चलते मच्छरों के वजह से बीमारियों को भी प्रेरणा मिल रही है, जिसके कारण लोग बीमार हो रहे हैं और डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियों का साथ पकड़ रहा है। इस वजह से हमने सिहोरा ग्राम पंचायत में सचिव और सरपंच इनको निवेदन देते हुए दवाइयों का छिड़काव करने का प्रस्ताव रखे हैं। मिशन न्यूज के लिए सिहोरा से रणधीर नेमा की रिपोर्ट।